हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें स्टैटिक्स यानी कि जो चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है, स्टैटिक्स की बात करने वाले हैं। स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, ठीक है ना, सांख्यिकी की बात करने वाले हैं। नए एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 13 है आपका, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट की बात कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि डेटा क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा क्या होते हैं, ठीक है ना। डेटा और टाइप्स ऑफ डेटा हम लोग जानेंगे, इसके अलावा ग्रुप और अनग्रुप डेटा जानेंगे। तो ग्रुप और अनग्रुप डेटा में हम लोग अनग्रुप डेटा बेस पर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे बस, ठीक है ना। बाकी ग्रुप डेटा बेस पर क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है ना। तो अनग्रुप डेटा पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब अनग्रुप डेटा लेंगे हम लोग, उसी अनग्रुप डेटा पे हम लोग मीन निकालेंगे, मॉड निकालेंगे और मीडियन निकालेंगे, जो कि आपका क्लास 9th का है ये, ठीक है ना। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा क्या अनग्रुप डेटा का मीन निकालना, मॉड निकालना, मीडियन निकालना क्लास 9th में, ठीक है ना। तो वही हम लोग आज सीखने वाले हैं, ठीक है ना। देन हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप डेटा के मीन मॉड और मीडियन को निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या है डेटा। डेटा क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स, रिसर्च और एनालिसिस। यानी कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ये क्या है डेटा, क्या सॉरी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो डेटा होता है ना वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और ये इंफॉर्मेशन आपका न्यूमेरिकली हो सकता है और नॉन न्यूमेरिकली, दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा डेटा, डेटा क्या होगा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, और ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकली और नॉन न्यूमेरिकली दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये इंफॉर्मेशन गैदर कहां से किए जाएंगे, ऑब्जर्वेशन से और मेजरमेंट से, है ना। और इसके अलावा देखिए आपका रिसर्च से, एनालिसिस से, इन सबसे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाएंगे, गैदर किए जाएंगे, समझ में आया, ठीक है ना। तो क्या क्या हो गया, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स, रिसर्च और एनालिसिस। इट कैन इन एनी फॉर्म, न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल, यानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिकल भी, नॉन न्यूमेरिकल भी। अब न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल कहने का मतलब ये क्या है, न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल कहने का मतलब ये है, न्यूमेरिकल फॉर्म में मतलब नंबर फॉर्म में, नंबर फॉर्म में, ठीक है ना, हो सकता है नंबर फॉर्म में हो, ठीक है ना। नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है किसी और दूसरे फॉर्म में हो, जैसे ब्लड ग्रुप के फॉर्म में हो जाए, ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, वो नॉन न्यूमेरिकल है, ए ग्रुप, ए बी ग्रुप, ठीक है ना, ओ ग्रुप, ऐसा करके। तो ये सब क्या हो गया, ये क्या है, नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म है, और नंबर लिखा होगा तो न्यूमेरिकल फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है, डेटा होता है, ठीक है ना। अगर हम हिंदी में बात करें तो डेटा क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं आपके, आंकड़े क्या होते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि प्रेक्षण के द्वारा, मापन के द्वारा और अनुसंधान के द्वारा और विश्लेषण के द्वारा, ठीक है ना, और विश्लेषण के द्वारा जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती है उसको आंकड़े कहते हैं, ठीक है ना। ये आंकड़े संख्यात्मक रूप में हो सकते हैं या फिर किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। तो टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा। देखिए इसमें हम लोग स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, इससे पहले हम लोग टाइप्स को जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है। स्टैटिक्स में ना हम लोग इसी डेटा के बारे में कंप्लीट क्या करते हैं, उसमें एनालिसिस करते हैं, इसी डेटा पर कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, यानी इसी डेटा पर को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है आपका, स्टैटिक्स होता है। यानी स्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं ना, डेटा पर कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, या डेटा पर अलग अलग टाइप्स के ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है ना, ये आप कह सकते हो, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, इट इज नॉट हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज जिसमें नहीं होगा वो क्या होगा आपका, क्वालिटेटिव डेटा होगा। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या होता है, गुणात्मक, गुणात्मक आंकड़े, गुणात्मक डेटा, ठीक है ना, डेटा का हो या डाटा का हो, तो गुणात्मक डाटा हो गया आपका, ठीक है। अब गुणात्मक डाटा क्या होता है, देखिएगा जरा, इट इज नॉट हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होता, यानी कोई संख्यात्मक मान नहीं होता इसमें,
इट इज अ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, यानी इसमें वर्णात्मक इंफॉर्मेशन होता है, वर्णात्मक जानकारियां होती हैं। बात समझ में आ रही है ना, डिस्क्रिप्टिव जानकारियां होती है, कोई न्यूमेरिकल जानकारियां नहीं होती हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं, यानी कि गुणात्मक डाटा। जैसे जैसे किसी का रंग ले लो, है ना, किसी की क्वालिटी ले लो, किसी पर्सन की क्वालिटी ले लो, ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है। जैसे कलर ऑफ फिश ऑन एक्वेरियम, तो एक्वेरियम में कलर ऑफ फिश, फिश के कलर की बात करें, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये कलेक्शन किया गया, ये जो डेटा कलेक्ट किया गया ना, ये क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है ना। उनकी क्वालिटी को कलेक्ट किया गया है, यानी इसमें ये जो एक्वेरियम है, इस एक्वेरियम में ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, येलो कलर के फिश हैं, तो उनको डेटा कलेक्ट किया गया है, तो वो क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है। आई थिंक क्या आपको क्वालिटेटिव डेटा समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, मात्रात्मक आंकड़े होते हैं, मात्रात्मक, यानी इसमें मात्रा की, ठीक है ना, क्वांटिटी की बात की जाती है, ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव डेटा अगर मात्रा की बात की जा रही है, यानी कि ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, तो इट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मात्रा बताएगा, ठीक है ना। इट कैन बी न्यूमेरिकल फॉर्म, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है, हो नहीं सकता, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन कैन परफॉर्म ऑन देम, और इन पर कैलकुलेशन हम लोग लगा सकते हैं, इन पर हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट कैन बी न्यूमेरिकल फॉर्म, नहीं, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता ही है, ठीक है ना। कैलकुलेशन कैन परफॉर्म ऑन देम, और कैलकुलेशन इस पर चल सकता है, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट, क्लास है, क्लास में हाइट ऑफ स्टूडेंट आप निकाल लो, क्या है वो आपका क्वांटिटेटिव डेटा है, मात्रा बता रहा है, ठीक है ना, मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है ना, क्वांटिटी बताएगा, मात्रा बता रहा है, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, राइट है, ठीक है ना। चलिए, अब ये जो क्वांटिटेटिव डेटा है ना, ये एरो से दिखाया गया है, क्वांटिटेटिव डेटा के टू पार्ट्स होते हैं, एक तो डिस्क्रीट हो गया, एक कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अभी इसके बारे में लोग पूरा अच्छे से देखेंगे, अभी आप समझिए, डिस्क्रीट है और कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा होता है, देखिए डिस्क्रीट में क्या होता है, इट कैन टेक सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि एक केवल सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू को लेता है, यानी इसमें कोई सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू कंटेन होता है, किसमें, डिस्क्रीट में, ठीक है ना। सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू मीन्स, नहीं समझ में आया तो समझाएंगे अभी, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, इट कैन टेक वैल्यूज बिटवीन अ सर्टेन रेंज, यानी कि इसमें वैल्यूज तो रखे जाते हैं, लेकिन एक रेंज के बीच में, एक रेंज लेकर के आप एक रेंज ले लीजिए, उसमें वैल्यू को रख दीजिए, ठीक है ना। तो एक रेंज में वैल्यू को रखे जाएंगे तो कंटिन्यूअस डेटा होगा, और कोई स्पेसिफिक वैल्यू रखा जाएगा तो वो क्या होगा आपका, डिस्क्रीट होगा, है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, अब आपको समझ में आएगा। चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आएंगे आगे, जब आगे बात करेंगे तो क्या होता है हमारा, देखो हम यहाँ पे दो चीजें बात करेंगे, एक चीज है आपका क्या होगा, देखो एक चीज है जो डाटा है हमारा, ठीक है ना, जो डाटा है हमारा वो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, कौन कौन से, एक अनग्रुप डाटा होगा, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक होगा अनग्रुप डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, अनग्रुप डाटा क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में अनग्रुप डाटा के बारे में ही पूरी बात करेंगे, इस पर कैसे हम लोग को कैलकुलेशन करना है, कैसे इस पर मीन, मॉड, मीडियन निकालना है, तो अनग्रुप डाटा की ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ग्रुप डाटा की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन ग्रुप डाटा होता क्या है उसकी जानकारी हम लोग इसी वीडियो में लेंगे, क्लियर है। चलिए, तो अनग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा में मतलब आप कैसे भी कोई डेटा थमा दो, आप कोई डाटा थमा दो, ठीक है ना, कहिए लो भैया ये डाटा है इसको ले लो, कहेगा कैसे डाटा भैया, कहेगा दो है, चार है, छह है, आठ है ना, तो दस है, ये क्या है आपका अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा मतलब आप ऐसे इवेंट नंबर थमा दिए, भैया लो इवेंट नंबर, तो इवेंट नंबर क्या है, अनग्रुप डाटा है, यानी कोई ग्रुप नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना, कोई ग्रुप नहीं बन रहा, दो चार छः आठ दस एक तीन पाँच सात नौ, प्राइम नंबर के प्राइम नंबर्स जो हो गए उनका कलेक्शन अनग्रुप डाटा, है ना, तो ये क्या हो गया, अनग्रुप डाटा हो गया,
आई थिंक कि आपको अनग्रुप डाटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अच्छे से समझिए, तो और अच्छे से यही है कि आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, नेचुरल नंबर के कलेक्शन हो गए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ होल नंबर हो गए, ये सब क्या है आपके अनग्रुप डेटा है। चलिए देखिए, और देखिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप डेटा के। अब ग्रुप डेटा को आप जरा ध्यान समझिएगा, इसी ग्रुप डेटा में हम इंक्लूड करने वाले हैं किसको, डिस्क्रीट को और कंटिन्यूअस डेटा को ना। तो ग्रुप डेटा क्या होता है, देखो जो ग्रुप डाटा होता है ना आपका, वो टू टाइप्स का होता है। कितने टू टाइप्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, टू टाइप्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें पहला जो होगा, इसमें पहला जो होगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहां डिस्क्रीट समझे, होता क्या है चलिए देखिए। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में टेस्ट हुआ, वो टेस्ट हम मान लेते हैं 10 मार्क्स का हुआ। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का हुआ। तो यहाँ पे हम ये यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्टेन मार्क्स हो गए, यहाँ पे क्या हो गए ऑप्टेन मार्क्स हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। तो ऑप्टेन मार्क्स हो गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, तो हम इसके इस डाटा को हम बनाना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, जैसे हम देखें एक नंबर पाने वाले दो स्टूडेंट हैं, दो नंबर पाने वाले तीन स्टूडेंट हैं, तीन नंबर पाने वाले पांच स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, ऐसे चार नंबर पाने वाले पांच स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं पांच नंबर कोई पाया ही नहीं, ठीक है ना, तो पांच नंबर नहीं पाए तो उनका कोई डेटा नहीं रखे हम। छह नंबर पाने वाले चार स्टूडेंट हैं, ऐसे आप वैसे पांच नंबर नहीं पाए तो पांच का जीरो हो जाएगा, आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सात नंबर पाने वाले तीन स्टूडेंट हैं, फिर से मानते हैं आठ नंबर कोई नहीं पाया है, नौ नंबर पाने वाले चार स्टूडेंट हैं, और टेन मार्क्स पाने वाले थ्री स्टूडेंट हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों क्यों डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? बिकॉज ऑफ इट कैन टेक सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज, क्योंकि ये सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज को दिखा रहा है। कैसे? देखो यहां पे दो नंबर पाने वाले स्टूडेंट को दिखा रहा है, यहां पे तीन नंबर पाने वाले स्टूडेंट को दिखा रहा है, चार नंबर पाने वाले स्टूडेंट को दिखा रहा है ना, चार नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स को, यानी स्पेसिफिक नंबर के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखा रहा है। समझ में आया? इसलिए क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, असतत बारंबारता वितरण। क्या होता है? असतत बारंबारता वितरण, बहुत ध्यान समझिएगा, असतत बारंबारता वितरण। अनग्रुप का मतलब क्या होता है? अवर्गीकृत। ग्रुप का मतलब क्या होता है? वर्गीकृत, है ना। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखें, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया आपका डिस्क्रीट, अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो कंटिन्यूअस डाटा के बारे में आपने पढ़ा, कंटिन्यूअस डाटा के बारे में आपने क्या किया, पढ़ा। देखो यहां पे भी वही चीज रखेंगे, यहां पे भी वही चीज होगा, ऑप्टेन मार्क्स होगा, है ना, ऑप्टेन मार्क्स होगा, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो अब क्या होगा, अब जो डाटा रखेंगे ना, आप अलग टाइप में रखेंगे, मतलब ये एक रेंज में डेटा होगा, जो हमारा अब डाटा आएगा ना रेंज में होगा। कैसे होगा? देखिए जीरो से दस, मान लेते हैं हंड्रेड मार्क्स का टेस्ट हुआ, 100 मार्क्स है, 50 मार्क्स का लेकर चलते हैं, ठीक है ना। 0 से 10 नंबर पाने वाले पांच स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो 10 से 20 नंबर पाने वाले चार स्टूडेंट हैं, 20 से 30 नंबर पाने वाले पांच स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। 30 से 40 नंबर पाने वाले चार स्टूडेंट हैं,
देन 40 से 50 नंबर पाने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या है यहाँ पे ना स्पेसिफिक नंबर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखा रहा था, इसलिए ये हुआ था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक रेंज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखा रहा है, इसलिए ये हुआ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मतलब यहाँ पे एक है, एक के बाद फिर दो आ गया, मतलब ये कुछ ऐसा लग रहा है कि भैया एक सीढ़ी थी, एक के बाद दूसरी सीढ़ी पे आया जंप कर गया, तीसरी सीढ़ी पे आया जंप कर गया, चौथी सीढ़ी पे आया जंप कर गया। तो ये क्या है, ये लाइन टूट जा रही है। यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे 0 से 10 पे आया, फिर 10 से स्टार्ट कर दिया 20 पे गया, फिर 20 से स्टार्ट कर दिया 30 पे गया। मतलब ये क्या है, ये लाइन एकदम कंटिन्यूअस चल रही है, और ये क्या है, ब्रेक होकर के चल रही है। तो ब्रेक होकर चल रही है इसलिए ये डिस्क्रीट हो गया, और ये कंटिन्यूअस चल रही है, कहीं से ब्रेक नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। कोई समस्या? तो ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग असतत बारंबारता वितरण कहते हैं, और ये है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग सतत बारंबारता वितरण कहते हैं। ठीक है ना, आई होप कि आपको इतना चीजें समझ में आई होगी। ठीक है ना, अब हम लोग अनग्रुप डेटा को लेंगे, अनग्रुप डाटा को लेकर के हम लोग वहां पे मीन मॉड मीडियन निकालेंगे, अनग्रुप डाटा को लेकर के मीन मॉड मीडियन निकालेंगे। ठीक है ना, तो बिफोर दैट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे, बाकी हम लोग यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाने वाले, मतलब बार ग्राफ, हिस्टोग्राम है ना, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, मतलब दंडालेख और आयत चित्र है ना, और बारंबारता बहुभुज, तो ये सब हम लोग नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, क्योंकि ये क्लास टेंथ है, क्लास नाइन्थ में आप इसको पढ़े होंगे। ठीक है ना, क्लास नाइन्थ में आप कहोगे सर क्लास नाइन्थ में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे भी पढ़ी है, यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी पढ़ी है, तो ठीक है आप यहाँ पे भी पढ़ोगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन क्लास नाइन्थ में आप मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े हो अनग्रुप डेटा का, आप यहाँ पे पढ़ोगे ग्रुप डेटा का, लेकिन आप अनग्रुप डेटा के सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट को नहीं भूलोगे आप। ठीक है ना, यानी कि आपको पिछले क्लास का सब याद होना चाहिए। ठीक है ना, पिछले क्लास की चीजें आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए देखिए क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है ना, मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मतलब ये इसको हम लोग हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। ठीक है, होता क्या है, तीन चीजें होती है, कितनी चीजें, तीन चीजें। पहला क्या होगा, माध्य होगा, माध्य यानी कि जिसको हम लोग मीन कहते हैं, तो फर्स्ट इज मीन, मीन को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, माध्य कहेंगे, है ना। और जो सेकेंड होगा, वो सेकेंड क्या होता है, मोड होता है, मोड होगा, मोड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक। ठीक है ना, बहुलक। ठीक है ना, और जो थर्ड होता है, वो थर्ड क्या होता है आपका, थर्ड होता है आपका मीन मोड और मीडियन होता है, थर्ड क्या होता है, मीडियन होता है, मीडियन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे माध्यिका या माध्यिका आप कह सकते हो। ठीक है ना, तो माध्यिका या माध्यिका आप कह सकते हो। ठीक है ना, ये तीन चीजें आपको निकालने आना चाहिए, लेकिन ये तीन चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है ना, अनग्रुप डेटा को आपको भूलना नहीं है। ठीक है ना, अनग्रुप डेटा, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से नहीं भूलना है जिस प्रकार से आप सुने होंगे मेरे बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, वैसे आपको क्लास नाइन्थ का ये अनग्रुप डेटा के बारे में जो सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसको भूल नहीं जाना रे। ठीक है ना, तो अनग्रुप डेटा है आपका यहाँ पर। ठीक है ना, तो अनग्रुप डेटा, तो यहाँ पे ये भी चिल्ला के कह रहा है
कि पिछले क्लास का जो पढ़ाई है उसको भूल नहीं जाना रहे, ठीक है ना। तो क्या होगा, अनग्रुप डेटा लेकर चलते हैं हम लोग। तो अनग्रुप डेटा में हम लोग कोई भी डेटा ले लेते हैं, कोई भी डेटा। देखो तीन चार एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं, एक एग्जाम्पल पे हम काम करेंगे, बाकी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर ए, तीन चार एग्जाम्पल हम लिखेंगे। कहेगा फाइंड द मीन ऑफ, देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ, फाइंड द मीन ऑफ। तो फर्स्ट ए हो गया, किसका मीन आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फर्स्ट टेन या नाइन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स, सॉरी फर्स्ट नाइन नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल्स नंबर, नेचुरल नंबर्स का, ठीक है ना। और ए बी हो गया फर्स्ट फाइव ऑड इंटीजर्स का, ठीक है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स का, ठीक है ना। और सी क्या है, फर्स्ट फाइव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का, और आप कह सकते हो फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर का, है ना। हिंदी मीडियम वाले समझना चाहें तो माध्य निकालना है, पहले नौ प्राकृत संख्याओं का, और दूसरा है क्या होगा, फिर पहले पांच विषम संख्याओं का, पहले पांच सम संख्याओं का, ठीक है ना, और मतलब विषम पूर्णांकों का, और पहले पांच धनात्मक सम पूर्णांकों का, यहाँ भी धनात्मक विषम पूर्णांकों का, और पहले पांच प्राइम नंबर्स का यानी कि अभाज्य संख्याओं का, ठीक है ना। तो इन सब का हम लोग को क्या करना है, मीन निकालना है। तो मैं एक कोई बताऊंगा, बाकी आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नाइन नेचुरल नंबर्स का मीन आपको निकालना है, कैसे कैसे निकालेंगे। तो देखो ये जो सब चीजें ना, ये अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड है, नॉट अ ग्रुप डाटा, ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है ना। तो अगर सबके सब अनग्रुप्ड डाटा है, तो देखो अगर हम फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं, किसको, फर्स्ट को, ठीक है ना, फर्स्ट का ए, बाकी तो आप करोगे ना सॉल्व। चलो देखो, तो फर्स्ट का ए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर्स को लिखने वाले हैं हम लोग, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, ये है ना। तो क्या हो गया, ये चीजें हैं आपके पास, करेंगे क्या हम लोग, देखो हम लोग यहां निकालने वाले मीन, क्या निकालेंगे, मीन, जिसको हम लोग एक्स बार से दिखाएंगे, ठीक है ना, मीन निकालेंगे। मीन का क्या होता है फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए देखिए, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सभी का सम करना पड़ेगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस और नाइन, है ना। और कितने हैं ये, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो नौ हो गए। तो तीन दो पाँच एक छः चार दस, दस पाँच पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस, इक्कीस सात अट्ठाईस, अट्ठाईस आठ आपका हो जाएगा कितना, अट्ठाईस और आठ आपका हो जाएगा छत्तीस, छत्तीस नौ पैंतालीस, तो पैंतालीस बटे नौ हो गया, तो नौ पैसे पैंतालीस हो गया, कितना हो गया पाँच, यानी कि इसका मीन क्या होगा, फाइव होगा। क्या होगा मीन, फाइव होगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग मीन निकालेंगे, जो भी आपको नंबर दिए होंगे उन नंबर को सम करना, कितने नंबर है उससे डिवाइड करना, तो आपको मीन मिल जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है ना, आंसर कमेंट में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, वन मार्क्स में जो ऑप्शनल है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, इसलिए आप इसको बाकी क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा,
ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम लोग निकालेंगे क्या मॉड, देखते हैं मॉड कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको हटाते हैं, अभी वहां पे आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे किसके मॉड की, और मीन कैसे निकलता है वो आपको समझ में आ गया किसका, ग्रुप डेटा का, जो कि हम लोग क्लास नाइन्थ में पहले से ही पढ़ चुके हैं इस चीज को। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग बात करेंगे किसका मॉड का, मॉड निकालेंगे हम लोग। तो मॉड निकालना है, अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है क्या कि कह रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका उधर हो गया, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें, जैसे कोई भी नंबर आपको दे दिया 4, 3, 2, 1, 3, फिर इसके बाद 5 हो गया है ना, फिर 3, 7, 3, 6, 3, 9 है, ये आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका मॉड निकालिए, क्या निकालिए मॉड, मॉड मतलब बहुलक, बहुलक मॉड होता क्या है, मॉड होता क्या है, मॉड वो नंबर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बस मॉड क्या होगा, वो नंबर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ध्यान सुनिएगा, वो नंबर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब जो नंबर ज्यादा बार आएगा वो नंबर मॉड होगा, ज्यादा बार आएगा, ध्यान समझिए, जो नंबर ज्यादा बार आएगा वो मॉड होगा, कितनी बार आया वो मॉड नहीं होगा, तो ध्यान समझिएगा। तो मॉड क्या होगा, देखो कौन सबसे ज्यादा बार आया है, अगर हम देखें यहां पे 3, 1, 2, 3, 4, 5 पांच बार आया 3, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 की, तो 3 क्या होगा मॉड होगा, 3 क्या होगा मॉड होगा, कितनी बार आया है वो मॉड नहीं है, कौन ज्यादा बार आया है वो मॉड है, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन आप रख रही है ना, ठीक है ना, कितनी बार आया है वो मॉड नहीं है, कौन ज्यादा बार आया है वो मॉड है, 3 ज्यादा बार आया है, कितनी बार आया, 5 बार, तो 5 मॉड नहीं है, 3 मॉड है, क्योंकि वो ज्यादा बार आया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्या होगा मॉड होगा, ठीक है। तो आई होप कि मॉड भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे मीडियन की, और मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन में आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए एक अलग से एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके मीडियन की बात करते हैं हम लोग। देखिए मीडियन में क्या बोला है, ध्यान समझिएगा, मीडियन में ये कहा गया है कि सबसे पहले जो भी डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले देखो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो भी डाटा दिया हुआ है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, है ना, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है, ठीक है। दूसरा ये कहता है भैया जब डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में आप लगा लिए हो ना, उसके बाद आप चेक करो कितना डाटा, मतलब कितना ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर हैं, कितने ऑब्जर्वेशन हैं, तो वो नंबर आपको चेक करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या चेक करना है दूसरी बार, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, क्या ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आप चेक कर लिए ना, तो कहता क्या है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षणों की संख्या, अगर देखो क्या बोलना, क्या बोलना है, देखो अगर प्रेक्षणों की संख्या इवन आ गई और ऑड आ गया तब क्या होगा, अगर प्रेक्षणों की संख्या इवन आ गया तो क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इवन मतलब सम संख्या आ गई तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो फॉर्मूला ये लगेगा कि जो आपका माध्यक होगा, जो माध्यिका होगा, जो भी आप कहिए, वो क्या होगा, n बाई टू, n बाई टू था ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, n बाई टू था ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन, वंथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कब, ये इवेंट की कंडीशन में, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आया तो माध्यिका बराबर क्या होगा, n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय टू प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, यानी कि n बाय टू वा प्रेक्षण और प्लस n बाय टू प्लस वन वा प्रेक्षण बटे 2,
ये होगा माध्यिका, माध्यिका मतलब मीडियन। कोई समस्या नहीं ना? अब देखो, अब कह रहा है कि भैया अगर ऑड नंबर आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है उसके लिए भी कुछ है हमारे पास। तो कहता है अगर ऑड नंबर आ गया, अगर ऑड नंबर आ गया तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला लगाओ। तो ऑड नंबर आ गया यानी विषम संख्या अगर आ गई तो उसके लिए फॉर्मूला लगाओ। तो उसके लिए मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर कहता है कुछ नहीं एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कि क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, एन प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन कर लेना बस, एन प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन कर लेना बस, ठीक है ना। कहता है बस यही है आपका मीडियन, एन प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा, एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन अपॉन टू हो जाएगा, यहाँ पे एन प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। बस यही काम करना है आपको, जब इवेंट ऑड आएगा तो, जब ऑड आएगा तो, ठीक है ना। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इवेंट का भी और एक ऑड का भी, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ अभी, देखिए इधर इरेज करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल मैं लूंगा, चलिए देखिए क्या करने वाले हम लोग, एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो देखो दो हो गए क्वेश्चन, ये तीन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपको कोई भी मतलब ऐसे वो डाटा दे दिया है, ठीक है ना। क्या दे दिया है, 3, 2, 5, 5, 6, 1 हाँ, और 4, ठीक है 8 हो गया, 7 हो गया, ये आपको दे दिया है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट मतलब एन। देखो एन यानी इस पहला काम हमारा क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, आरोही क्रम में लिखना। तो लिख लो भाई इसको, इसका क्या करना है, इसका क्या निकालना है, हम लोग को मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन। तो सबसे पहला काम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये आपका अरेंज हो गया किसमें, आरोही क्रम में, ठीक है ना। चलिए अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया तो अब आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितने हैं, 8। तो 8 क्या है, 8 है आपका इवेन नंबर, इवेन यानी सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो बोल रहा है आपको ये लगाना है, ये ठीक है ना। तो लगाते हैं, चलिए तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू एन बाई टू ऑब्जर्वेशन था और प्लस एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन है ना, अपॉन क्या होगा, टू अपॉन क्या होगा, टू होगा। तो एन बाई टू ऑब्जर्वेशन, एन कितना, एट, तो एट बाई टू ऑब्जर्वेशन प्लस एट बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन, अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, टू हो जाएगा, ये आपका मीडियन चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि डिवाइड करोगे आप तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन और प्लस फोर प्लस वन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगा ना, अरे फोर टू फोर जाए फोर प्लस वन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या हो गया, टू हो गया। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन देख लो क्या है, इसमें नहीं देखना, इसमें जो अरेंज किया उसमें देखना, 1, 2, 3, 4। तो चौथा ऑब्जर्वेशन 4 है, पांचवा ऑब्जर्वेशन 5 है, बटे 2 हो गया। तो 5, 4, 9 हो गया, 9/2 और डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, 4.5। तो 4.5 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा, ये मीडियन होगा, समझ में आया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एन क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है ना। तो आपके एन ग्रुप के सभी जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है यानी कि मेन मीडियन मोड है, वो सब आप निकालना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए देखिए इसका काम तो हो गया हमारा इवेंट वाला। चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो तीसरे के बाद ये चौथा हो गया, ठीक है ना। चौथा हो गया क्या है,
कि आपको कोई भी नंबर दे दिया, कोई भी नंबर, 7, 8 और फिर 6 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, और 9 हो गया, फिर 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। और कहोगे सर रिपीट नहीं कर सकता नंबर, बिल्कुल कर सकता है, लो कर दिया रिपीट, कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। तो चलो देखो, पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। क्या निकालना बताइए, मीडियन यानी माध्यिका निकालनी। कैसे निकालेंगे ध्यान समझिए, पहला हमारा स्टेप क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लगा लेंगे, ठीक है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो 7, 7 हो गया, 8 हो गया, पहले 6 भी है, 5 भी है, तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, ये हो गया। तो अब हम लोग का काम क्या है, एन चेक करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 है, 9 क्या है आपका, ऑड है, ऑड यानी विषम है, तो विषम है तो इसके लिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, मीडियन इक्वल टू, ये फॉर्मूला कहता है कि एन प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, ये कह रहा है क्या, एन प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन आप निकाल लो, वही क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। तो मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, एन प्लस 1/2th यानी एन 9 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10। तो मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर हो जाएगा 10/2th ऑब्जर्वेशन, 2th ऑब्जर्वेशन यानी कि कितना हो जाएगा, 5 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, 5th ऑब्जर्वेशन, कितना हो जाएगा, 5th ऑब्जर्वेशन। अब पांचवा ऑब्जर्वेशन देखो, 5 नहीं है आंसर, पांचवा ऑब्जर्वेशन पे जो होगा वो होगा आंसर, ठीक है ना। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पांचवा ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, तो पांचवा ऑब्जर्वेशन क्या है, 8, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि हम लोग अनग्रुप डेटा का मीन मीडियन मॉड कैसे निकालेंगे। तो आपको आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप डेटा के मीन को निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।